तो हमारी बहू रानी का गृह प्रवेश अब होगा। तो हर कोई अपने टाइम में नर्वस होता है, तो शायद इनके लिए रस्म भी नहीं थी या पता नहीं होती कि नहीं होती, मुझे अपने टाइम का याद नहीं। तो ये पैर से गिराने में इससे संकोच कर रही थी। ये देखिए इनका हल्का सा इन्होंने सिर्फ टच करके छोड़ दिया। तो वीडियो में ठीक से शायद ले नहीं पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना। आप किसे कहोगे हटो नहीं हटो, जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना लिया। तो दुल्हन का एंट्री तो हो चुका है और इन्हें छत पे लेके गए जो हमारा सीरा घर होता है वहाँ पैर लगवाने, और मैं नहीं गई थी भीड़ की वजह से। देखिए बच्चे लोग और सब कुछ कितने भीड़ जुटे हुए हैं। और यहाँ शायद ये मिट्टी के हड़िया में कुछ ये आटा या कुछ का बनाकर इन लोग रखते हैं। हम लोग की तरफ ऐसा रस्म नहीं होता है, इन लोग के साइड ही होता है। और ये रही मैं, शायद मैं कुछ गप्पे कर रही होंगी। और ये छत पर के मौसम को मैं दिखाने की यहाँ कोशिश कर रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये देखिए मैं जिसकी बात कर रही थी, मुझे भी ये मिला, शायद दिखेगी। मुझे भी खोइंचा में लेना था, तो आज मतलब साड़ी के पल्लू में, तो ये मैंने लिया। और यही सब बच्चे को मिल रहे थे। और ये रही मैं बाबू के साथ, और दुल्हन हमारी कब्र में बैठी हुई है। और दूल्हे साहब सबको बाहर पैर लग रहे थे, और ये साइलेंट लेडी की तरह बैठी थी क्योंकि अभी नई नई है ना, और इन्हें ठंडी ठंडी हवा दी जा रही है। तो चाची के यहाँ से हम आ गए, तो कितने दिनों से सब सोचता है शादी शादी शादी, और शादी ख़त्म आज हो गई। लड़की घर में आ चुकी है, नहीं हमारी दुल्हन घर में आ चुकी है और गृह प्रवेश कर चुकी है। तो शादी का माहौल आज ख़त्म, लड़की का गृह प्रवेश हुआ और शादी ख़त्म। मैं आकर जाने के लिए बैग पैक कर रही थी, इधर सामान कुछ बिखेर रखा है। यही होता है, आ और गया लगता है। दो दिन हुए हैं बस। वहाँ से आने वक्त बैग पैक करो, अब जाने के लिए करो, पूरा सामान बिखरा हुआ।
किसी ने कपड़ा अभी तक नहीं बदला है। तब वीडियो तो नहीं कैप्चर कर पाई, जो भी है वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ भी होती है और एक तरह से मैं बहू हूँ, हालांकि बेटी की कैमरा रहकर सब जगह ढोती हूँ, फिर भी ढीठ की तरह कैमरा कहीं भी ऑन कर देती हूँ। लेकिन फिर भी ख़राब लगता है कि क्या सोचेंगे कि दिन भर फोन ही में चिपकी रहती है, इसलिए जो भी है वो शेयर करूँगी। ये रहा मेरा साड़ी, क्योंकि मैं कल रात को यही पहन के गई थी, बारात में यही गई थी, तो इधर दो दोनों में साड़ी मुझे पहले से ज़्यादा परफेक्ट आ गई पहनने। कभी भी रेगुलर मैंने, हाँ शादी का टाइम ही पहना होगा रेगुलर दो दिन साड़ी, और इस बार मैंने रेगुलर दो दिन पहन ही लिया साड़ी। थोड़ा बहुत घर में आने पर कपड़े एक दो घंटे के लिए मैंने चेंज किया, लेकिन दिन भर मैंने साड़ी ही कैप्चर, सॉरी मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, ये हाथ में दर्द करा था वीडियो लेने के चक्कर में, फ़ोन पकड़ने के चक्कर में, और मैं बोल रही हूँ साड़ी कैप्चर करती हूँ, साड़ी पहनने के कारण साड़ी मुझे कुछ ढंग से पहनने आ गई। अब मुझे समझ में आ गई कि किस तरीके से साड़ी की प्लेट मुझे बनाने में बहुत दिक्कत आती तो अब नहीं आएगी, नहीं आती है। तो अब जा रही हूँ कपड़ा चेंज करती हूँ, तब पापा से बात करती हूँ। और बारिश हो ही रही है अभी तक, मौसम जो गर्मी का था जेठ का महीना कहलाता, लेकिन नहीं, मौसम ने अपना रुख बदल लिया। और बाबू का दूध भी ख़त्म हो गया, पापा लोग तो बारात से लगता है 10-11 बजे होंगे, और अभी लगभग मुझे लगता है कि लड़की जो हमारी दुल्हन है वो 4 बजे आई हैं, बारात पहले आ गई थी और दुल्हन हमारी है जो 4 बजे आई हैं, और उन्हें घर में एंट्री करा कर हम घर आए हैं, तो अभी लगभग 5:30 बजे हम लोग घर आ चुके थे। तो कपड़ा हमने चेंज कर लिया और अभी बजे हैं 6:30, और चाय पीने के मन हुआ लेकिन दूध नहीं है और बारिश हो रही है, और दूध भी शादी टाइम पर मिलती है लगभग 7:30 बजे, जो डेयरी वाले दूध दे जाते हैं ना पैक पर मिलते हैं, शायद वही दूध लाए। तो चाय बन गई, तब तक बैठ रहा हूँ, फिर चलती हूँ वीडियो एडिट करने, तब भी तो पोस्ट करूँगी। और यहाँ का नेटवर्क इतना स्लो है, यानी घर पर वाईफाई का आदत हो गया, तो मैंने एक वीडियो अपलोड के लिए लगाया था, हाँ वो वीडियो कल आज पोस्ट हुई है, आज यानी कि 12 तारीख को मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है वो लगभग 20 घंटा में मेरी वीडियो वो अपलोड हुई है। मैंने अपलोड करके मतलब फ़ोन में छोड़ दिया था, तो देखा कि पक्का 20 घंटे में वो अपलोड हुई, और घर पे मुश्किल से मिनट भी नहीं लगते हैं हो जाते हैं, तो फिर भी मैंने करके छोड़ दिया। और मॉर्निंग में सोने से पहले जो बचा हुआ था यानी भोर में, उसमें नेट का स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं चलता, तो उसी टाइम मैंने कर लिया था, तब तक मेरी वीडियो अपलोड हुई। अगर फतुमा जाने का वेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा बैक हो जाएगा मेरा वीडियो, मैंने अभी तक व्हाट्सवित्री वाला वीडियो नहीं शेयर किया है, शायद वो कल यानी 13 तारीख को मैं पोस्ट करूँगी, तो इसीलिए डिले नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए अपलोड में लगा देती हूँ, धीरे धीरे होते रहेगा। फतुमा जाऊँगी तो फिर डालूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो पूजा कब हो और वीडियो कब डाला जाए। अभी खाना बनने का फैसला किया जा रहा है कि क्या खाया जाए, डिस्कस कर रहे हैं पापा और ये बैठ के क्या खाना खाएंगे, क्योंकि शादी में हम लोग आए हैं, तो 10 तारीख को आए थे सुबह परवल की सब्ज़ी, रात को परवल का सब्ज़ी, फिर 11 को सुबह परवल का सब्ज़ी, फिर रात को परवल का सब्ज़ी, फिर 12 को मॉर्निंग फिर परवल आलू का सब्ज़ी, तो सब चकरा के परवल आलू का सब्ज़ी खा खा कर, फिर चावल दाल, और फिर क्या खाया, बुनिया पूरी, हाँ आलू परवल सब्ज़ी, आलू परवल खाऊंगी नहीं कुछ दिन, परवल इतना परवल खा चुकी हूँ यहाँ। तो अब किनको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, लोग मैं थोड़ा सर्विस के तो हमेशा मेरी एक ही शिकायत आती है कि तुम जैसे तैसे आ जाती ब्लॉगिंग, और बाल का मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं कुछ परमानेंट इसका सोल्यूशन ना कर लूँ, मेरे बाल ऐसे ही अच्छे हैं, लाख कोशिश कर ले ये खोते हैं खोते ही रहेंगे, सबके बाल देख देख के लगते यार कितने अच्छे, और मेरे बाल देख लो, देखती हूँ क्या आज का क्या शेड्यूल है तब बताती हूँ। चंद्रगंज है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। टाटा बाय बाय।